गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 28 सितंबर दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। शनिवार का दिन है, डबल मंडी है जी। बाकी सोमवार वाला दिन जो है किस तरह का रहेगा, क्या पोजिशन रह सकता है सोमवार का, और सोमवार के बाद क्या करना चाहिए किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, और आज जो है कितना साउथ का प्याज आया आजादपुर में और नेफिट का क्या कुछ अराइवल देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो क्वालिटी है जी, सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद रेटों का जानकारी लेंगे जी। देखो जी, एक लोट तो दोस्तों ये है जी, एक ये वाला है और इस साइड में भी है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आज का माहौल अराइवल बता दीजिए, आज मंडी में टोटल गाड़ी कितना पहुंचा जी? 49 गाड़ी कल की खड़ी है, 36 गाड़ी ताजी है, ठीक है जी, और 40-42 गाड़ी के आसपास नीचे है, ठीक है, जिसमें 22 गाड़ी एमपी है और 19 गाड़ी नासिक है, ठीक है जी, जिसमें 4 गाड़ी व्यापारी की है, बाकी नैफेड का है, 3 गाड़ी पूना है, करीब 13 गाड़ी राजस्थान है, ठीक है सर, 18 गाड़ी एनसीसीएफ है, अच्छा जी, 6 गाड़ी नैफेड है, अच्छा, 5 गाड़ी नया है, ठीक है जी, 1 गाड़ी अफगानिस्तान है, 1 गाड़ी, अब अफगानिस्तान का यहाँ पे भी आने लगा सर, 1 गाड़ी आया, अच्छा जी, ऐसा नहीं बनेगा, ओके जी, और पीछे जो है मतलब आपका जहाँ से आता है पाकिस्तान के, सॉरी पंजाब के साइड से, उधर कितना आया था? उधर भी 2-4-5 गाड़ियां हैं, लेकिन पैसा नहीं बन रहा है। अच्छा, हाँ, प्रेशर अभी नहीं बनेगा उनका, ठीक है जी। तो सर जी, आज डबल मंडी है, सबसे पहले बिक्री की बात करें तो आज बिक्री किस तरह करा जी? देखो बिक्री अच्छी है, लेकिन कल से 1 रुपए ढीला है, कल से 1 रुपए ढीला है जी। हाँ, बिक्री ठीक है, ठीक है जी। और भाव का अगर बात करें एरिया के अकॉर्डिंग, तो एक बार भाव बता दीजिए जी। 40 से 45, 45-46 रुपए तक पूरा बिका है, अच्छा जी, और व्यापारी का माल 40 से 42 रुपए तक बिका है नासिक, अच्छा, एमपी बिका 35 से 40, ठीक है जी, राजस्थान 35 से 40, अच्छा जी, एनसीसीएफ बिका है 1400 से 1550, ठीक है जी, यानी कि 35 रुपए से लेकर 38-39 रुपए तक, नैफेड में 6 गाड़ी थी वो बिकी है 33 रुपए से लेकर 36 रुपया, अच्छा जी, और आपका एक गाड़ी शायद 37.5 रुपए बिका है, अच्छा, और नया प्याज वाला? नया प्याज बिका है 35 से 40-42, 35 से 40-42, और जो आप अफगानिस्तान बता रहे थे सर, अफगानिस्तान रेट मुझे नहीं पता, लेकिन 30-32 रुपए के आसपास बिका होगा, ठीक है जी। अब सर जी, अगर देखा जाए कुल मिलाकर के इस सप्ताह का, तो इस सप्ताह में जो बाजार डाउन हुआ है करीब शायद 4 से लेकर 6 रुपए के बीच में हुआ है, तो क्या लग रहा है सर अगला सप्ताह जो है किस तरह का रहेगा, और फिलहाल जो है क्या कुछ रिपोर्ट निकल करके आ रहा है प्रोडक्शन मंडी वगैरह से सारा कुछ? देखो ये हफ्ता तो मंडी से लेके 1-1 रुपए किलो ढीला गया पूरा हफ्ता, हाँ जी, किसी दिन 1 रुपए, किसी दिन 1.5 रुपए, कुल मिला के 6-7 रुपए 8 रुपए तक मार्केट कट गई है। अच्छा, 6 से लेकर के 8 रुपए तक एक हफ्ते में, अच्छा, और अगला हफ्ता जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आज आमदनियां हैं, अगर यही आमदनी पीछे पुराने की पहुंचती है, ठीक है जी, तो 1-2 रुपए सुधार होना चाहिए, अच्छा जी, थोड़ा सा घबराहट मंगलौर ने किया आज, अच्छा, चूंकि वहाँ 1,02,000 कट्टा है, 1,02,000 का, हाँ, अगर गाड़ियों के अकॉर्डिंग अगर सोचा, जिसमें नया नया सिर्फ 470 गाड़ी है, 470, हाँ, लेकिन 9 टन की गाड़ियां होती हैं, 9-10 टन की, फिर भी 470 गाड़ी, माल बहुत होता है, लेकिन 60% माल में डैमेज की शिकायत है, अच्छा, 40% माल अच्छे हैं, ठीक है जी, अब जो डैमेज माल है वो लोकल में ही बिकेंगे, मार्केट को गंदी करेंगे, अच्छा जी, यानी कि जो महाराष्ट्र से अगर पुराना जा रहा है, हाँ जी, तो उसी पे मार पड़ेगी उसकी, अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगला हफ्ता 1-2 रुपए मार्केट सुधरना चाहिए, ज्यादा तो नहीं सुधरेगा, अच्छा, 1-2 रुपए सुधरना चाहिए, लेकिन अगर अराइवल कम होती है तो, जैसे आज एमपी में अराइवल थी और नासिक में थी, अगर यही अराइवल परसों पहुंचती है जी, तो हो सकता है 1-2 रुपए का सुधार हो, और नहीं तो मार्केट फिर यही रुक जाएगी। आज एमपी में जो है सर जी कितना अराइवल था, और वहां पे भी डाउन अगर हुआ है तो कितना डाउन हुआ है? एमपी आज 2 रुपए और डाउन रहा, अच्छा, हाँ, इसलिए डाउन रहा क्योंकि माल भी हल्के आ रहे हैं वहाँ, ठीक है जी, तो हल्के माल का आगे पैसा नहीं बनता है, हाँ जी, तो मैदान में आएगा कौन, बिल्कुल, बल्कि नासिक उतना नहीं टूटा है, अच्छा, नासिक 40 से 45 रुपए ही है जी, लेकिन एमपी ज्यादा टूटा है, और एमपी टूटने का मेन रीजन है क्वालिटी, अच्छा,
तो आज लगभग कितना मतलब वहाँ पे माल पहुँचा जी? 40,000 कट्टे के आसपास इंदौर बता रहे थे, 450 ट्रैक्टर के आसपास रतलाम था। ठीक है, और बाकी छोटी मंडियां जैसे शाजापुर हो गया, उज्जैन हो गया, यहाँ सब 10,000-8,000 अराइवल थी। अच्छा, मतलब यदि अराइवल कंट्रोल में रहा तो रेटों में चमक देखने को मिल सकता है, 1-2 रुपए है ना जी। और बाकी फिर सोमवार के बाद मतलब किस तरह का प्रिडिक्शन लग सकता है सर? हमें जहाँ तक लगता है अगला हफ्ता या तो 1-2 रुपए सुधार होगा अगर यही अराइवल रही तो। अगर अराइवल बढ़ती है तो जो आज वाली मार्केट है यही मंडे मार्केट खुलेगी। अच्छा, तो सर जी अभी जो बाहर का माल आ रहा है उससे क्या आपको कुछ जो है डर बन रहा है, क्या कुछ माहौल बन रहा है? थोड़ी सी खौफ तो हो ही जाती है, लेकिन एक गाड़ी जो माल आया भी है उतना बढ़िया खास कोई माल नहीं है। अगर 30-32 रुपए बिक भी जाएगा तो उनका पैसा नहीं बनेगा। अच्छा जी, और ये जो अलवर का जो अगेती फसल लगा था जो आपका अगस्त में लगा था सर, कुछ लगा भी था और कुछ खराब भी हो गया था, ये कब तक आएगा? और अगर यदि वो भी मार्केट में आता है, और अभी साउथ का भी जैसे बता रहे हैं आप 100 में से 60% जो माल खराब आ रहा है, ये भी माल खराब माल भी पहुंचेगा तो मार्केट को खराब करेगा जी। लेकिन ये लोकल में ही बिकेगा, वहाँ बाहर अच्छा। नहीं जाएगा वो, बट लोकल में बिकेगा तो सर मार्केट के ऊपर सभी तरह हाँ। इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा है ना जी। तो इस दौरान अभी किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को किस तरह से काम करना चाहिए? देखो जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, पीछे जिन्होंने माल मान लो किसी के पास 500 कट्टा था, अगर वो 250 कट्टा निकाल चुके होंगे तो 40 से 50 रुपए रेट उनको मिल गया है। अच्छा, उनके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ जी, अगर परसों 2-4 रुपए अगर मार्केट कटती है तो मेरे हिसाब से उनको रुकना चाहिए, फिर 10 अक्टूबर के बाद माल निकालना चाहिए। अच्छा जी, अगर वाकई में अच्छे माल है तो ठीक है जी, और अगर माल हल्के हैं तब तो निकालने में ही फायदा है। अच्छा जी, लेकिन हल्के माल कम ही होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इतना सितंबर तक जो प्याज रोकेगा तो बढ़िया प्याज ही रोकेगा। अच्छा जी, कहीं ना कहीं से लगता है कि 10 अक्टूबर के बाद मार्केट फिर जंप खाएगी 10 अक्टूबर के बाद। हाँ, लेकिन ये हमारा खुद का विचार है जी, जी। मंदा भी जा सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जितना लोग घबराए पड़े हैं मंदा जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी जितने भी दर्शक हैं वो अपने समझदारी से अपने सूझबूझ से, हर आदमी के पास विवेक है, हर आदमी के पास दिमाग है, हर आदमी काम करने वाला है, लेकिन जहां तक मेरा दिमाग काम करता है 10 अक्टूबर के आसपास मार्केट फिर उछलेगी जी। मतलब उम्मीद लग रहा है वो आपका स्वयं का विचार है? मेरा हाँ, खुद का विचार है। अच्छा जी, तो सर जी इस समय जो है इस माहौल में जिनको माल निकालना है तो क्या कुछ रणनीति रहना चाहिए, किस हिसाब से माल को निकालना चाहिए सर? जैसे कि अभी कुछ दिनों में देखने को मिला काफी उथल पुथल हुआ आपका एमपी में, कभी अराइवल काफी ज्यादा, अभी जैसे कि शनिवार का दिन है तो सीधा जो है 50% पे मतलब 60-70 हजार 80 हजार इस तरह से भी कट्टा आया, अब जाकर के अब आज के दिन 40 हजार भी कट्टा है जी। देखो जिनके पास जो माल अगर 50% तक निकाल चुके हैं, जो किसान आधा माल निकाल चुका है ठीक है जी, उसके पास अभी आधा माल है हाँ जी, तो धीरे धीरे निकालता रहे। अच्छा, जो किसान 100% में 80% प्याज निकाल चुका है वो आराम से एक हफ्ते बाद देखेगा, जो होगा देखा जाएगा, क्यों वह दोनों रेट पा जाएगा। अच्छा, अगर मंदा चला जाता है तब भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 40-45 रुपए को रेट पा चुका है। अच्छा जी, और अगर ऊपर चला जाता है तब तो बोनस अंक होगा। अच्छा, लेकिन जिसके पास ज्यादा माल है वो थोड़ा बहुत निकाल दे। अच्छा ठीक है जी, और सर जी अभी साउथ से कुछ एकदम एक्चुअल अपडेट निकल करके आया है कि जो मतलब कितना महीना चलेगा, और फिलहाल जैसा कि अभी बारिश भी हुआ हल्का फुल्का ही हुआ, तो मतलब इससे क्या कुछ इफेक्ट डलेगा प्याज में? देखो जो बारिश पीछे हुआ है, जहां जहां बारिश हुआ है उसी का रीजन है आज मंगलोर में माल हल्के पहुंचे हैं। अच्छा, हल्के मतलब डैमेज पहुंचे हैं। ठीक है सर, लेकिन फिर भी हमें लगता है जिस हिसाब से वहां फसल है 20 दिन उनका प्रेशर रहेगा, 20 दिन ज्यादा से ज्यादा 20 दिन। अच्छा, उसके बाद प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है जी, और सर जी जैसे कि मैंने अभी पूछा था अलवर के साइड में जो आगे फसल लगा था अगस्त के महीने में, कुछ खराब हो चुका था उसी टाइम और कुछ मतलब लगा था जी, तो वो कब तक आ सकता है और वो जो आएगा क्या प्रेशर बनेगा क्या? देखो आने के लिए तो छुटपुट आमदनी 200-400 कट्टे की हो सकती है 20 अक्टूबर के आसपास। अच्छा जी, लेकिन प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है जी, अगर 200-400 कट्टा आता भी है तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, प्रेशर नहीं बना पाएंगे, प्रेशर बनेगा अलवर का जाके 15 नवम्बर के आसपास। अच्छा, तो मोटा मोटी अभी कितना टाइम है सर जी? पुराने के लिए भी पूरा नेट 1 महीना है इनके लिए। अच्छा, 1 महीना है टोटल पूरा। हाँ, 1 महीना। उसी के हिसाब से जिनके पास प्याज है काम कर सकते हैं अपने सूझबूझ से। हाँ, तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, मोबाइल नंबर है 93118-9974। धन्यवाद सर जी। ओके।